जी आशा सर, आपने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स और कैरेक्टर्स किए हैं, कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो आपके दिल के अभी तक बहुत ज्यादा करीब है? एक ड्रामा हुआ था नया कानून, शायद आपकी नजर से गुजरा हो, वो बीए के कोर्स में भी है, सादत हसन मंटो साहब का अफसाना है जी। नया कानून, वो एक फ्रीडम फाइटर था कोचवान, मंगू कोचवान, वो मैंने रोल किया था, वो मेरे दिल के करीब तरीन रोल। क्या बात, फैंटास्टिक। और अगर हम रोल्स पे जाएं तो हम 50-50 में 12-13 स्किट्स होते थे, हर एक में मुख्तलिफ रोल होता था। बिल्कुल, तो वो हसरत नहीं अब रही कि ये नहीं बने तो वो नहीं बने तो ये नहीं किया। आप आजकल के लड़के लड़कियों का काम तो देख ही रहे होंगे, तो आपको कौन पसंद है? जी ये तो आपने बिल्कुल मुझे मुश्किल में डाल दिया कि सारे ही हमारे बच्चे हैं, छोटे भाई हैं। मैं तो जो अपने रोल के साथ इंसाफ करता है ना, मेरे लिए वो सबसे बड़ा एक्टर होता है। मैं रात को 2:30-3 बजे भी उसको फोन करके कहता हूँ, बेटे सो तो नहीं गए थे? वो कहता नहीं जी मैं जाग रहा हूँ। मैंने कहा अभी अभी तुम्हारा ड्रामा देखा है, तुमने अपने रोल के साथ इंसाफ किया है, तुम्हें मुबारकबाद देना मेरा फर्ज। लास्ट कॉल किसको की थी आप? उसका भी नाम बताना अब जरूरी नहीं है क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत बिजी है और बहुत काम कर रहा है। वो इमरान अशरफ, मेरा फेवरेट। इमरान तो बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा था, मुझे भी लग रहा था। हमने अभी एक सीरियल भी इकट्ठे किया, ड्रामा भी आया था चौधरी एंड सन्स उनके साथ। चौधरी एंड सन्स, बिल्कुल। क्या बात, वो बहुत बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे लड़के और नए हैं, नए लड़के और लड़कियां, वो कदामत पसंद एक्टर होते हैं जो नए लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते। वो कहते नहीं हम ही हैं जो हमने कर दिया। बहुत अच्छी बात कवि साहब कहते थे, खुदा गरी के रहमत करे, वो कहते थे कदामत पसंदी बहुत अच्छी चीज है, कदामत परस्ती बहुत बुरी चीज है। खान साहब ने कहा कि अशरफ खान साहब ने कि इमरान अशरफ भाई पसंद है, आपका भी कोई फेवरेट है जो मेरे, मेरा नाम नहीं लेना बस बाकी। शुरू से मुझे हमजा अली अब्बासी पसंद है, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत। आपकी वजह से फील्ड छोड़ के गए फिर? छोड़ के गए हैं, वो कर रहे हैं काम। आप कर रहे हैं दोबारा काम? उनके 2-3 प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं। आयजा खान के साथ वो दोबारा शायद आपको उसमें नजर आएंगे। अगर मेरे एज फेलो या मेरे एज ग्रुप में से तो खुशहाल आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सो ही इज डूइंग सो गुड। मतलब हमारा ही एज ग्रुप का है और ही इज डूइंग सो गुड इन द इंडस्ट्री। आप इस पे हैरान क्यों हो रही है कि आपके एज ग्रुप का अच्छा नहीं कर खुशहाल खान और हमजा अली अब्बासी? ड्रामा का शौक है आपको या फिल्म का? फॉर नाउ तो ड्रामा, ताकि ड्रामा तो ऐसा कोई ड्रामा मिल जाए जिसमें खुशहाल खान भी हो और हमजा अली अब्बासी भी हो। तो उसके अंदर अगर कोई लव ट्रायंगल हो तो फिर एवेंचुअली आप किसके साथ चाहेंगी? कोई एक तो बेचारा रह जाएगा उनमें से। दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर मी, आई डोंट नो। तो जवाब दे दें, अगर कर ही दिया मैंने। फॉर दैट आई विल पिक हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी, क्या बात। खुशहाल खान अभी आप रह जाएंगे और हमजा अली अब्बासी आप जो हैं वो जी। आपने वैसे देखा है हमजा अली अब्बासी का काम सर? क्या बात है, बहुत अच्छा। मैं तो अभी फिल्म देखी उनकी, मौला जट आपने देखी? क्या बात है, क्या काम किया सर। आपने तो ओरिजिनल भी देखी हुई थी? और ओरिजिनल भी देखी जी, बिल्कुल। और फिर ये देखी थी पड़ोस में, क्या बात, यही लगी हुई थी एक सिनेमा पे जी। तो मैंने वो 80 79 80 80 की 79 78 की, हाँ जी उस वक्त देखी। तब 50-50 हमारा शुरू हुआ था। अच्छा, 79 में शुरू हुआ था। ओके, और उसी जमाने में मैं देखने गया था मौला जट ओरिजिनल, वो भी देखी ये भी देखी। सर मौला जट 3 दे विच ठाकुर साहब भी गंडासे दा रोल कर रहे ने। ओ ठाकुर साहब भी कर रहे हैं मौला जट 3 में, हो सकता है। बातें बताने वाली नहीं होती इस तरह ना, शो मारा करो, तुम भी तो घोड़े हो उसके अंदर, मगर अभी बात है। मुझे एक बात बताएं, ये कॉमेडी जो एक होती है ह्यूमरस एक्टिंग, इसके अंदर एक बड़ा हम अक्सर सुनते हैं कि टाइमिंग है जी बड़ी, टाइमिंग का खेल है सर। मगर ये अब कैसे पता चलता है कि एक इंसान कर सकता है या नहीं कर सकता? एज एन एक्टर मैं पूछ रहा हूँ कि अब एक्टर तो अपने आप को समझ रहा होता है ना, कहीं आप भी जानते होंगे बहुत सी दुनिया में बड़े बड़े एक्टर रहे जो जब कॉमेडी रोल करने पे आते हैं तो बहुत आप तकलीफ में होते हैं, देखने वाले बड़ी अजियत में होते हैं। तकलीफ तो आपने छोटा लव जी, तो इसलिए ये कैसे पता चले अब कि आप पे टाइमिंग है या नहीं है? वो पता चल जाता है, अब चार जुमले वो बोलते हैं आके खड़े होके, तो पता चल जाता है कि लोग फैसला कर देते हैं कि नहीं भाई नहीं, या वाह जी वाह, दो ही आवाजें आती है ना जी। तो नहीं भाई नहीं जो है ना, उसके बाद उनको चूजी होना पड़ेगा कि अब मैं ये रोल करूं या ना करूं। सर वो होता ना कि कॉमेडी जो करता है बंदा, जो अच्छा करता हो तो प्रॉपर करता रहता है जी, और जो 2-3 मरतबा कोशिश करे कॉमेडी की नहीं पूरी होती हो
फिर वो होस्ट बन जाता है। अगर नहीं वैसे हमें बैक दैट सर, ये बड़ी एक अजीब सी मुझे लगता है बड़ी मुश्किल डिसीजन होता है कई बार कि एक्टर तो अपने आप को समझ रहा होता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मगर अब वो आप जो कह रहे हैं आवाज लगने तक का जो एक स्टेज है उससे पहले आप तो दो तीन बार ट्राई कर चुके होते हैं, कई बार आपको लगता है एज एन एक्टर कि नहीं यार ये ऑडियंस सही नहीं थी, शायद स्क्रिप्ट में कोई मसला था, इस ड्रामे की डायरेक्शन सही नहीं थी, इसलिए मैं शायद उस तरह नहीं कर सका काम। इसकी मिसाल ये है कि मैं एक म्यूजिकल प्रोग्राम था कराची में, मैं होस्ट कर रहा था, तो मैंने एक सिंगर अनाउंस कर दिया बड़ी माजरत के साथ, कहते माशाल्लाह पूरी फैमिली काबिल तहसीन है, वो मैंने उसको अनाउंस कर दी, तो जावेद फाजिल साहब खुदा गरी के रहमत करे वो भी उस तकरीब में बैठे हुए थे आगे, तो मैं अनाउंस किया वो चले गए ऊपर गाने लगे, तो मैं नीचे आया तो कहने लगे, मैंने कहा कुछ ज़रूरी बात करने लगे, तो मैंने कहा जी फरमाइए, कहने लगे यार अच्छी खासी कंपेयरिंग आप कर रहे थे और आपने ये जब इसको बुलाया तो उसको बुरा माइक पकड़ा दे दिया आपने, मैं कहा अब माइक तो वही है जो सब गा रहे हैं जिसपे, कहने लगे अच्छा अच्छा फिर मुझे गलत फहमी वो गाने को ज़िबा कर रहे थे खड़े हुए, अच्छा अब चूंकि आए हुए थे तो बुलवाना भी, इसी तरह कॉमेडी है इसी तरह गाना है, क्योंकि जो गा रहा होता है जो कर रहा होता है वो समझता है कि मैं हरफे आखिर हो गया हूँ, हालांकि ऐसी बात नहीं, फैसला सामने वालों ने करना होता है कि ये क्या कर रहा है। क्या बात है, बिल्कुल।